हेलो एवरीवन, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको समझाया कैसे कुछ इन्वेस्टर्स, वैल्यू इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली फ्यूचर फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हैं वाइल वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज मैं और एक आपको टेक्निक बताऊंगा जो वैल्यू इन्वेस्टर्स अपनाते हैं, वो है कॉम्पिटिटर्स के बैलेंस शीट को वो कॉन्स्टेंटली एनालाइज करते हैं। जो भी स्टॉक में उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग किया है या फिर करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में, उसी सेक्टर के जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बैलेंस शीट को वो कॉन्स्टेंटली एनालाइज करते हैं। उनके बैलेंस शीट में क्या ऊपर नीचे हो रहा है वो एनालाइज करते हैं, साथ ही में उनके सेल्स कितने बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, और मेन चीज़ है कि कंपनी के रिजर्व्स कैसे बढ़ रहे हैं, कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी का कैसे बढ़ रहा है, और उसके कंपेयर में जो जिस कंपनी में उन्हें इन्वेस्ट करना है उसके बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं, दोनों का प्लस माइनस देखते हैं दोनों में से कहाँ पे अपनी खुद की कंपनी जो वैल्यू इन्वेस्टिंग जिसमें वो करना चाहते हैं उसमें कहाँ नीचे की तरफ वो उनका बैलेंस शीट जा रहा है, कहाँ उनका स्ट्रांग है बैलेंस शीट, ऐसे सब एनालिसिस करने के बाद वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के बाद ये कॉन्स्टेंटली वो मॉनिटर करते हैं। ये ऐसा एक टेक्निक है जो ज़्यादा करके जो बड़े वैल्यू इन्वेस्टर्स रहते हैं जिनका बल्क अमाउंट रहता है वैल्यू इन्वेस्टिंग का और जिनका ड्यूरेशन भी कह सकते हैं बहुत लंबा रहता है, 10 से 15 साल का ड्यूरेशन रहता है, ये वो टेक्निक अपनाते हैं। आने वाले वीडियोज़ में और एक ऐसा टेक्निक बताऊँगा जो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में हेल्प करेगा।